नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे बच्चों के बारे में जिनकी मैथ या तो वीक है या तो जिसकी मैथ में स्पीड नहीं है। उसके लिए मैंने रेगुलर एक सीरीज स्टार्ट करी है, मैजिकल मैथ सीरीज, जिसमें मैं चैप्टर वाइज ट्रिक सिखाता हूँ। अभी हम लोगों का चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, तो जिसने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं वो बाकी के वीडियोस भी देख ले। आज जिस ट्रिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है, आपके सामने देख सकते हैं, देखिए ये आपका क्वेश्चन लिखा है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 2634 की होल पावर 1024 प्लस 264894 की पावर 1027। इस नंबर का, इस समेशन का यूनिट डिजिट बताना है हमें। तो जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा तो काफी लोग तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही क्वेश्चन को छोड़ देंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जबकि ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन देखा और आंसर किया। आप भी अभी इसको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे। देखो क्या करेंगे, बिल्कुल भी इस टाइप के क्वेश्चन से घबराना नहीं है आपको। जैसे ये हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझो। देखो यूनिट डिजिट का मतलब हुआ कि इतने बड़े नंबर का 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और इतने बड़े नंबर का 1027 टाइम मल्टीप्लाई करें, उसके बाद में जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक बताना है। लेकिन हमें इसके लिए एक शॉर्टकट का यूज करेंगे, उस शॉर्टकट को बोलते हैं साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझ लो, फिर एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो साइक्लिसिटी में क्या करते हैं, जैसे कहीं पर 4 की पावर 1 लिखा है तो इसका आंसर हो गया 4, 4 की पावर 2 लिखा है तो 16, 4 की पावर 3 लिया तो 64, 4 की पावर 4 तो 256। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हम 4 की कितनी भी पावर करते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, यूनिट प्लेस पर केवल 2 ही डिजिट रिपीट हो रही है। देखो 4 6 4 6 4 6, और वो हमेशा 4 6 4 6 4 6 आता जाएगा, चाहे हम 4 की कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना निकाल लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी 4 की पावर ऑड वैल्यू है तो आंसर हमारा आ रहा है 4, और जब भी 4 की पावर इवन वैल्यू है तो आंसर आ रहा है 6। तो यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट पता चला कि जब भी 4 की कुछ भी पावर लिखी होगी, अगर वो पावर ऑड है तो आंसर आ जाएगा 4, और अगर वो पावर इवन है तो आंसर कर देंगे 6। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखो हमें निकालना है इसका यूनिट डिजिट, तो इसका अगर हमें यूनिट डिजिट बताना है यानी कि हमें पूरी डिजिट से मतलब नहीं है, केवल हमें यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उससे मतलब होगा, यानी कि हम केवल लिखेंगे 4 की पावर 1024 क्योंकि यूनिट डिजिट है 4। इसी तरीके से यहां पर भी 4 की पावर 1027 से हमें मतलब होगा। अब मैंने बताया था कि अगर 4 की पावर में इवन वैल्यू होगी यहां पर तो आंसर हो जाएगा 6, और 4 की पावर अगर ऑड वैल्यू होगी तो आंसर हो जाएगा 4। ये हो गया 6 प्लस 4, और 6 प्लस 4 करेंगे ये हो जाएगा 10, और यूनिट प्लेस पर क्या हो गया 0। देखा, 1 सेकंड से अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आपको 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और अगर आपको मेथड ही नहीं मालूम है तो आप या तो क्वेश्चन छोड़कर आओगे, या तो गलत करके आओगे, या तो उसमें आपको कुछ भी अता पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मैंने मैथ के और भी ट्रिक्स बना रखे हैं उन सारी ट्रिक्स को रेगुलर आप देखेंगे तो भी मैथ आप आराम से सीख जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा।